को बाबो को जफा डाल के जरा जोर से जोर से जोर से मिले मिले करो जरा जोर से जोर से जफे डालो जोर से जोर लगा के क्या हाल है मेरे बेटे का। एक दफा जोर जोर से और जोर लगा के बेटा जोर लगा के मेरे बाबा बुड्ढा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सोचेंगे मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जनाब इस वक्त हम आए हैं शॉप पर, बाहर निकले थे तो अतीक ने कहा कि आगे तो मैं ना शॉप का विज़िट कराता हूँ, तो चले अभी अंदर चल के आपको विज़िट कराती हूँ। तो जनाब हम लोग शॉप में आ गए हैं। मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं आप लोगों को विज़िट करा दूँ। यहाँ पर ना ये देखिए फैंसी दुपट्टे इस कदर हसीन है ना, ये देखिए ज़रा ये। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ईद पे ना इन दुपट्टों के साथ में ना कोई एक दुपट्टा सेलेक्ट करके ना उसके साथ अच्छा सा ड्रेस बनवाऊंगी, लाइक दिस। ये देखिए ये बहुत प्यारा कलर है। इस दफ़ा मेरा दिल था, मैंने सोचा हुआ थी, आपको याद है ना मैंने जो इस बार सोचा हुआ है ना। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये देखें ये देखें ये देखें यहाँ देखें, माशाल्लाह चारों जानेब शॉप भरी हुई है। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा बरकतें दे। कैसे हैं मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो हमें कुछ चाहिए थे दुपट्टे, आप हमें कुछ लेस करेंगे? आप कुछ सिलेक्ट करेंगे तो लेस करेंगे। चलें मैं कुछ सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे ये देखें हिजाब कैप्स भी हैं इनके पास, और ये देखें दो ये कौन है, ये कौन है, ये आपका बेटा? मेरा बेटा। वो कौन है? वो भी मेरा बेटा। अच्छा माशाल्लाह, बेटे तो आपके प्यारे हैं, वाइफ भी आपकी बहुत, फिर इसका मतलब है खूबसूरत होगी। जवाब दे दिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है। अच्छा वहाँ पहुँच गया। चले भी मैंने आपको विज़िट कराना था, मैंने आपको शॉप का विज़िट करा दिया है। मज़ा आ गया यार चीज़ें देख के माशाल्लाह। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ऑर्डर कर सकते हैं। हैं
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मैंने तो अभी सोना था, आज फ्राइडे है तो इसने मुझे उठा दिया इस गंदे बच्चे ने। आप गंदे बच्चे हो। चलो आज फ्राइडे है, आप जल्दी से अल्लाह अल्लाह पढ़ो। अल्लाह 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 पढ़ो। आपने मम्मा को सोने क्यों नहीं दिया? हाँ, अभी मम्मा ने सोना था, आपने क्यों नहीं सोने दिया? नहीं सोने देना। नहीं, हर बात में आजकल इसकी बात होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए कपड़े प्रेस कर रही हूँ, फ्राइडे आज वो गए हैं बैंक, और आज मेरा फ्लू हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, गर्मियों में भी शायद ठंडा पानी पीने की वजह से। अब अतीक बैंक गए हैं, उन्हें कोई बैंक में काम था, कोई पेमेंट वगैरह का, तो वो वहाँ गए हैं, वो आएंगे, फिर उन्होंने मुझे कहना कपड़े प्रेस करो फ्राइड। गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगे। तो चले मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, बहरहाल आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज है फ्राइडे और देखते हैं हमारा आज का दिन कैसा जाता है और क्या कुछ करते हैं। वैसे तो जुम्मे के दिन में इंसान को अच्छे अच्छे अमाल करने चाहिए, नमाज, कुरान पाक की तिलावत, ख़ासतौर पर सूरत कहफ। चलो मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँ, मुझे याद है कि मैं जल्दी से सूरत कहफ पढ़ लूँ, क्योंकि फिर मुझे ना ये बच्चे जो ना ये वाले बच्चे ये मुझे फिर कुछ करने नहीं देते। आज फ्राइडे है, और फ्राइडे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस दिन इतनी अच्छी आवाज़ आती है, जुम्मा की, खुतबा की, अजान की। जुम्मे का दिन मुझे बहुत पसंद है, यकीन करें। अच्छा, आज नाश्ते में सबसे पहले मैं अतीक को दे रही हूँ आड़ू का जूस। वेलकम बैक। अच्छा, आज नाश्ते में ना अतीक के लिए मैं बना रही हूँ ये आड़ू का जूस। आड़ू जो है इनको हम मैं पहले पील ऑफ करके इनको, तो मैंने वैसे डिस्पेंसर को ऑन किया, लेकिन फिर आपको मग में रख के ठंडा कर दूंगी। तो तुम डिस्पेंसर में दो मिनट पड़ा रहने दो। तो ऑन है, क्या हो गया? अभी मैं ये कटिंग कर रही हूँ, इतनी देर में हो जाएगा। तो इसको मैं पील ऑफ करके इसके स्लाइस काट के इसमें डाल दूंगी, साथ में चीनी ऐड करेंगे और पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, और हमारा आड़ू का मज़ेदार सा जूस हो जाएगा रेडी। चूँकि ये ठंडा नहीं है, तो इसको मैं अभी इस वाली डेगची में डाल के फ्रीज़र में रखूँगी थोड़ी देर, तो ये बहुत अच्छे से ना ठंडा हो जाएगा। वेलकम बैक। अच्छा यार, अतीक और हसन नमाज पढ़ने गए जुम्मा की, और मैंने कहा चले उनके आने से पहले पहले ना मैं भी जुम्मा की नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैं फ्री हो जाऊँगी, और फिर हम जब खाने पीने का जो भी करेंगे, अभी नहीं हमें पता कि क्या खाना पीना है, फिलहाल मैंने कुछ बनाया नहीं है। खैर, तो ये साहब जी मुझे बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, इतनी ज़ोर से यहाँ पे आके मुझे इसने घुटने पे अपनी ये वॉकर मारी है ना, मैंने इसने क्यों किया ऐसे, आपने इतनी ज़ोर से मम्मा को मारा, ये देखें ऐसे आता है, सारी जाए नमाज को ऐसे इकट्ठा कर देता है, और ना वॉकर मेरे इतनी ज़ोर से लगती है ना कसम से घुटने पर आके, आप ऐसे क्यों करते हैं? जाओ बॉल लेके आओ, बॉल। बॉल कहाँ है? अभी सोनिया ने अपना जो हेल्पर आती है उन्होंने अपना सारा काम कर दिया, माशाल्लाह से घर क्लीन हो गया, किचन भी सारा साफ सुथरा हो गया है, किचन का दरवाज़ा इस वजह से बंद किया कि ये साहब जी किचन में जाते हैं, तो इस वक्त जो ना रिलैक्स हो गई हूँ मैं। अब खाने पीने का कुछ करना है, क्योंकि मैंने कल हंडिया नहीं बनाई थी, ठीक है, और अभी हम मे भी कुछ हमें कुछ बाहर भी जाना है, बाहर से जाके खाते हैं या घर पर मैं कुछ बनाती हूँ। लेट्स सी क्यों हुआ, बाय लेना। वेलकम बैक। अच्छा जी, चिकन का साला लेके आए हैं अतीक, और मैं जल्दी से अब चपाती बना रही हूँ और फिर हम दोपहर का खाना खाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, दोपहर का खाना हमारा हो चुका है रेडी स्टेडी, और ये है ठंडी ठंडी लस्सी अतीक के लिए, और ये है चिकन का साला अतीक लेके आए थे, ये बहुत टेस्टी होता है, और जनाब ये है हमारा सैलेड जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैंने बारीक बारीक काटा है, और मैंने आपको कहा ना अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए। और जी जो चपाती हैं उनको मैंने ना देसी घी से जना वो कर लिया है, और इतनी मज़ेदार हो जाती है ना देसी घी से ये, और ये थोड़ा सा घी यहाँ पे गिर गया, इसको मैं कल वॉश कर लूँगी, और अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ना सैलेड के ऊपर क्या करने लगी।
ये देखिए ना मेरे पास था पुदीना फ्रेश। यार इसको तो बंद करो। पुदीने को ना मैंने जो वो ड्राई किया था, ये देखिए इसको, ये बिल्कुल ड्राई हुआ है। इसको अपना ऐसे हाथ से मसल के ना इस तरह से ऐसे मैं सैलड के ऊपर डालती हूँ और इतना अच्छा लगता है, यकीन करें। कभी आप ये ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा और लेती हूँ, मैंने इसको ड्राई करके ना एक बैग में बंद कर लिया था। ये देखिए इतना अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा टेस्ट आता है ना ये। आ जाओ तीक, खाना रेडी है, आ जाओ। आ जाए, खाना रेडी है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। इस वक्त दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और ये हम दोपहर का खाना खाने लगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ रही हूँ मैं, पानी लेके आती हूँ, मुझे याद नहीं रहा। ये देखिए ये अतीक लेके आए हैं अंकल जी की तरफ से। ये आज भरे हुए करेले बनाए थे उन्होंने। अतीक धागा उतार देते हैं ना अब तो जी। बाबा दे रहे हैं आपको बेटा। अच्छा अतीक, ये आप, मैंने आज इस सलाद में जो चेंजिंग की है उसमें आपको कैसा लग रहा है टेस्ट? कौन सी चेंजिंग है? एक इसकी कटिंग सही की है, ऊपर ये डाला है वो पुदीना है कि क्या है? हाँ, खुश करके ना पुदीने को धूप पे मैंने रख लिया ना, हल्का सा ऐसे करके उसको वैसे। Thank you.